बीपीएससी 67वीं एग्जाम से संबंधित ऑफिशियल लेटर देख लीजिए, कौन कौन से जिला में परीक्षा का सेंटर बनाया गया इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, और एग्जाम कब ली जाएगी, कितने पाली में एग्जाम ली जाएगी और टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लेटर में देखिएगा तो ऊपर में है बिहार लोक सेवा आयोग, डेट यहाँ पर है 25 अक्टूबर 2021। बीपीएससी की ओर से 25 अक्टूबर 2021 को सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर, और कौन कौन से जिला में सेंटर दिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और होम सेंटर दिया जाएगा या नहीं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, कितने पाली में परीक्षा ली जाएगी और टोटल कितना कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होंगे इसके बारे में भी इस लेटर में बताया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा प्रेषक में है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और यह जो लेटर लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारी को, तो यहाँ पर सेवा में जिला पदाधिकारी और जिला का नाम है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से जिला में सेंटर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर है पटना, इसके बाद है भोजपुर, तो भोजपुर जिला का मुख्यालय जो आरा है तो आरा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर आरा कोस्ट में है। इसके बाद है नालंदा, बक्सर, नवादा, गया, रोहतास, रोहतास का मुख्यालय सासाराम है, सासाराम कोस्ट में दिया हुआ है। इसके बाद है भभुआ, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है तो कोस्ट में बेतिया दिया हुआ है, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है तो हाजीपुर दिया हुआ है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, सुपौल एवं बेगूसराय। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 35 जिलों में सेंटर बनाया गया है, बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है, 3 जिला में सेंटर नहीं बनाया गया जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, 7 लाख से कम है, जैसे आप देखिएगा शिवहर में, तो शिवहर में 6.5 लाख ही टोटल जनसंख्या, तो सीतामढ़ी यहाँ पर सेंटर बनाया जाता है बगल वाले जिला में, और सीतामढ़ी से ही अलग हुआ है शिवहर, और इसके अलावा शेखपुरा में भी 6.5 लाख की जनसंख्या, तो जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम कैंडिडेट रहता है, तो वहाँ पर सेंटर नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से टोटल 35 जिलों में सेंटर बनाया गया, यहाँ पर सभी जिला का नाम है। इसके बाद आप देखिएगा तो विषय 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु आवासन की व्यवस्था कराने के संबंध में, यानी सीट उपलब्ध करवाने के संबंध में, और महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2022, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डेट घोषित कर दिया गया 23 जनवरी 2022 रविवार को परीक्षा लेंगे, तो रविवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच एकमात्र बैठक में 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन संभावित है। बीपीएससी का एग्जाम 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही लिया जाता है, तो इस बार भी 23 जनवरी 2022 को 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही लिया जा रहा है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो आगे यहां पर बताया गया है जिला स्तर पर इस परीक्षा के संचालन हेतु आपको परीक्षा संयोजक नियुक्त किया गया है, तो जिला पदाधिकारी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिला पदाधिकारी को परीक्षा संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके बाद है उक्त परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है, तो लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, तो 5 लाख यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद है परीक्षार्थियों को कोरोना COVID-19 महामारी के ध्यान में रखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अघतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का जो भी कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस है इसको पालन किया जाएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आवासन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। SOP गाइडलाइंस यानी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर जाना है, पानी का बोतल या जो भी कुछ है आप खुद स्वयं लेकर जाइएगा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, ये सब जो भी गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित ये सब आपको पालन करना है, और उसी के अनुकूल सेंटर भी कहा गया बनाने के लिए। इसके बाद है इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा उपकेंद्रों की आवश्यकता होगी, आपके जिला में उपलब्ध परीक्षा उपकेंद्रों के नाम, उपलब्ध कमरों की संख्या, उनमें समाहित होने वाली परीक्षार्थियों की कुल संख्या, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं, जैसे यहां पर प्रकाश यानी रोशनी उपलब्ध है यानी रूम में प्रॉपर रोशनी जाना चाहिए। इसके बाद है पानी, बेंच, डेस्क इत्यादि की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित प्रपत्र नीचे में फॉर्म दिया हुआ फॉर्मेट उस फॉर्मेट में भेजना है। प्रतिवेदन भरकर 30 नवम्बर 2021 तक, 30 नवंबर का एक महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया तक अधो हस्ताक्षरी को भेजने की कृपा की जाए ताकि परीक्षा कार्यक्रम का सिर्फ प्रकाशन किया जा सके। पूर्व में आपके जिला से भेजे गए आवासन की सूची नीचे संलग्न है, और यहाँ पर फॉर्मेट इस तरह से है, परीक्षा केंद्र का नाम है और कितने रूम हैं, बेंच, डेस्क, छात्रों के बैठने की सुविधा, इसके बाद प्राचार्य, केंद्राधीक्षक का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का पूरा पता, डिटेल्स, तो एडमिट कार्ड पर सेम यही हूबहू दिया हुआ रहता है पिन कोड के साथ। इसके बाद है यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड, तो परीक्षा जो भी सेंटर पर लिया जाता है इसके लिए परीक्षा सेंटर को बीपीएससी की ओर से पेमेंट भी करना पड़ता है, यहाँ पर यही है बैंक का डिटेल्स, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या। और यहाँ पर आप लोगों का डाउट होगा कि क्या इसमें होम सेंटर इस बार दिया जाएगा,
बीपीएससी एग्जाम में होम सेंटर नहीं दिया जाता है। जो आपका जिला है सेम जिला में आपका सेंटर नहीं रहेगा, गर्ल्स का होम ही सेंटर हर बार रहता है, तो जितने भी महिला परीक्षार्थी है सभी का होम सेंटर ही दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए होम सेंटर है, बाकी बॉयज़ के लिए सेम जिला में आपका सेंटर नहीं रहेगा, बगल वाले जिला में आपका सेंटर दिया जाएगा। पिछली बार 66वीं में 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दे दिया गया था, 200-300 किलोमीटर दूर, तो पिछली बार बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तो इस कारण से इस बार बहुत ज़्यादा दूर सेंटर नहीं दिया जाएगा, आपके बगल वाले जिला में ही 100 किलोमीटर के अंदर ही लगभग सेंटर दिया जाएगा, इसलिए इस बार आपको ज़्यादा असुविधा नहीं होगी पिछली बार की तरह। गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाता है, बॉयज़ का होम सेंटर नहीं रहेगा, आपके बगल वाला जिला में सेंटर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की रही बात, तो 23 जनवरी 2022 रविवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में आपकी परीक्षा ली जा रही है। लगभग 5.5 लाख इस बार कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, पिछली बार के कंपेयर में इस बार सीट अधिक है, तो सीट अधिक रहने के कारण से वैकेंसी का 12 से 13 गुना पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है, इसलिए इस बार रिजल्ट भी अधिक दिया जाएगा और सीट अधिक रहने के कारण से फाइनली अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो अब जिला पदाधिकारी को भी लेटर लिखा जा चुका है, इसलिए परीक्षा बिल्कुल समय पर 23 जनवरी 2022 को ही होगी और बीपीएससी अपनी ओर से पूरी कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं, 25 अक्टूबर को ही लेटर लिखा जा चुका है।